खरगोन से बड़ी खबर, पूर्व मंत्री सचिन यादव से धोखाधड़ी हुई है। पूर्व कृषि मंत्री सचिन यादव के बैंक खाते से फर्जी कॉल करके पैसे ट्रांसफर करवाए गए हैं। 20 लाख रुपए रकम बताई जा रही है। मैसेज आने के बाद सचिन यादव ने शिकायत की, बैंक और पुलिस की मदद से 3,50,000 रुपए रिकवर कर लिए गए हैं। बदमाशों को पकड़ने में फिलहाल पुलिस टीम जुटी हुई है। शशिकांत जुड़ गए हैं। शशिकांत, कैसे ये पूरी घटना हुई? जी मैं बताना चाहूंगा, मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री और खरगोन जिले के कसरावत विधानसभा सीट से कांग्रेस के विधायक सचिन यादव के साथ एक व्यक्ति द्वारा बैंक मैनेजर को फोन लगाकर बोला मैं सचिन यादव बोल रहा हूँ, जिसके बाद में उन्होंने कहा कि ये उनके फर्म के 3 नंबर दिए खाते नंबर, और वो 3 नंबर खाते नंबर देने के बाद में उसने 20 लाख रुपए ट्रांसफर की बात कही, जिसके बाद में बैंक मैनेजर द्वारा इन खातों में राशि ट्रांसफर कर दी गई थी। जब खाते में से राशि कटी तब सचिन यादव के पास मोबाइल और मैसेज गया, जिसके बाद में सचिन यादव तुरंत उनके फर्म के कर्मचारियों और उनके निजी सहायक को पुलिस थाने और बैंक का भेजा, जिसके बाद में इस बात का खुलासा हुआ कि एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा बैंक मैनेजर को इस नंबर से कॉल कर रुपए मांगे गए थे, जिसके बाद में पुलिस द्वारा तत्काल इसमें एक्शन लेते हुए 3.5 लाख रुपए रिकवर कर लिए गए, जबकि अभी 16.5 लाख रुपए और आरोपियों का भी कुछ पता नहीं चल पाया। पुलिस द्वारा मामला दर्ज कर खोजबीन की जा रही है। शुक्रिया आपका जानकारी के लिए।